सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों बात करने वाला हूँ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रिगार्डिंग में। तो दोस्तों बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रिगार्डिंग जो ऑनलाइन आवेदन होने वाला था, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें काफ़ी सारा बदलाव हुआ और किन स्टूडेंट को कितना रुपया मिलेगा। दोस्तों अगर आप ITI करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, दोस्तों आप कोई भी कोर्स करते हैं तो भी आप स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा स्टूडेंट के कितना रुपया मिलने वाला, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कितना रुपया मिलने वाला है। तो दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप इस पेज पर चले आइएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 से लेकर 50 कोर्स तक यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई जो भी स्टूडेंट करेंगे सभी को मिलने वाला है। तो दोस्तों कौन सा स्टूडेंट को कितना रुपया मिलेगा और कौन सा कोर्स में कितना रुपया है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ डिटेल में। तो दोस्तों ये जो थोड़ा लंबा, इसमें मैं आपको शॉर्टकट तरीका से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें लंबा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आपको हम इजीली तरीका बताते हैं कि शॉर्टकट में कौन सा तरीका और कौन सा स्टूडेंट को कितना रुपया मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा पेज को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक हम दे देंगे, यहाँ पर से भी आप इजीली समझ सकते हैं कौन सा स्टूडेंट को कितना रुपया मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो आपको फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है विभिन्न प्लस टू विद्यार्थियों महाविद्यालय एवं इंटरमीडिएट कक्षा, यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि दोस्तों आप इंटर में एडमिशन करवाए या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, आप IA है या ISC या ICOM है, कोई भी कोर्स लिए हुए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2000 रुपये की जो स्कॉलरशिप की राशि है जो दी जाएगी, यानी कि दोस्तों इसमें 2000 दिया हुआ, इससे अधिक भी मिल सकता है। उसका दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर स्नातक स्तरीय कक्षा या तो BA कर रहे या BSc कर या BCOM कर रहे, यानी कि दोस्तों आप स्नातक में एडमिशन करवाए अगर आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर है या दोस्तों आपका फाइनल हो चुका तो भी दोस्तों आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप की राशि है जो 5000 रुपये दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप 3 नंबर में देखिएगा तो 3 नंबर में लिखा हुआ अगर आप MA कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं या MCOM कर रहे हैं तो भी दोस्तों आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 5000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 4 नंबर में देखिएगा तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसका मतलब हुआ कि अगर आप ITI कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है या दोस्तों आप ITI आपका फाइनल हो चुका तो भी दोस्तों आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉलरशिप अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 5000 रुपये की राशि जो दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो 5 नंबर में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, यानी कि दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो आपको 10000 रुपये की जो राशि दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर में देखिएगा तो 6 नंबर में आपको लिखा हुआ मिलेगा व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान से अधीन संचालित कोर्स। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल लाइन में कोई भी लाइन में कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके समक्ष में अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो यहाँ पर आपको 15000 रुपये की जो राशि है दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप की जो राशि है यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है यहाँ पर देखिएगा, जो फर्स्ट नंबर आप देखिएगा तो भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप तो दोस्तों आपको यहाँ पर 75000 रुपये की जो राशि आपको मिलेगी। उसके बाद 2 नंबर में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा अन्य प्रबंध संस्थान यथा चंद्रगुप्त प्रधान संस्था ललित नारायण मिश्रा आर्थिक। दोस्तों अगर आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा अमाउंट है जो कि 4 लाख रुपये की राशि आपको दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर 3 नंबर में देखिए तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा IIT पटना से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। NIT पटना से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 1,25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर अन्य केंद्रीय संस्थान राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी, दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर उसके समक्ष में कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1,00,000 रुपये की राशि जो है कि दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है 6 नंबर में स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 1,25,000 रुपये की राशि जो दी जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए अभी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट होना था, जो अभी तक स्टार्ट उसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ। जब भी लिंक एक्टिव होगा तो उसके लिए मैं अगला वीडियो ले आऊँगा कि कैसे उसमें अप्लाई करना है, अप्लाई करते समय कौन सा गलती नहीं करना, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको इसमें एक नोटिफिकेशन दिया हुआ, उसको आपको समझना अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी स्थानों से अध्ययनतन पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र, यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब अगर आप बिहार में रह करके आप कोई भी सरकारी संस्था से पढ़ाई करते तो ही दोस्तों आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप अन्य स्टेट से पढ़ाई करते तो फिर इसका लाभ आप नहीं ले सकते, या दोस्तों अगर आप प्राइवेट संस्था से कोई भी अगर पढ़ाई करते तो आपको ये राशि नहीं मिलने वाली है, ये राशि उसी को मिलेगा जो सरकारी संस्था से पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अप्लाई करने का जो वीडियो इसी चैनल पर लाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।